A28, 3B9, राइट है, 62C और थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय के, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय के एंड द डिटरमिनेंट इज A36 89C 2B2। अगर ये तीन डिजिट के नंबर जो हैं, ये अगर K से डिविजिबल हैं, तो डिटरमिनेंट भी तीन K से डिविजिबल होगी, ये दिखाएं। सही है भाई, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, 3B9 है ना भाई। नहीं, इसमें क्या कहानी है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। राइट, देखिए इसका स्टोरी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत नजर रखिए, और बहुत अपन पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा शीट ने, हालांकि अपने लिए बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं खोली हैं। 28 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 3 में ही है शायद, मोर देन 30 होंगे शायद, और बाकी सब मिला मुलू करके भी अगर देखा जाए तो 45-46 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1-2 मिला करके। इसमें अपन क्रैमर रूल की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्यूशंस है। तो 45 क्वेश्चन वो, 30 ये, और पीछे के जो क्वेश्चन है वो मिला के तकरीबन 100 के आसपास जा रहे हैं। और मैंने कहा ना, 10 मिनट भी अगर आप एक डिटरमिनेंट को देते हैं तो 1000 मिनट हो गए। तो ये एक अच्छा खासा टाइम है। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे आने वाले 2 लेक्चर के अंदर अगर अपन इस चैप्टर को फिनिश मारते हैं तो आपके पास में तकरीबन, क्योंकि अपन लगातार 3 दिन तक अपना पीरियड आएगा, अगर 3 दिन तक लगातार आएगा तो आप बाकी बची हुई चीजों को आप रोक लें, ठीक है ना। बाकी बची हुई चीजों को रोक करके आपका डेडिकेशन लेवल थोड़ा सा इधर की तरफ ज्यादा बढ़ा दें, अगर हो सके तो 2-2 घंटे तकरीबन रोज का खींचे आप, तब जाकर के तो होगी नहीं तो ये फिर आपकी रह जाएगी। और ये गलती आप मत करना, राइट है ना। हाँ, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। डिटरमिनेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके क्वेश्चन आते भी हैं और वहां पे भी आ ही जाते हैं, वहां पे भी लगभग आ जाते हैं, है ना। तो जो उसके टफ क्वेश्चन वो तो हम दिखा ही रहे हैं, तो आपको डरने की क्या बात है, नॉर्मल क्वेश्चन आपको आते हैं, आप बिलीव रखिए खुद पे, ठीक है। आइए इस पर बात करते हैं, ये क्या चीज है ना, इसको समझने के लिए जैसे मैं आपके सामने 629 बोलता हूं, लेट्स से एक नंबर 629 दिमाग में है, तो 629 इज अ 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं, दैट इज 600 प्लस 20 प्लस 9 है, राइट है ना भाई। तो हर 3 डिजिट का नंबर है ना यूनिट प्लेस, ठीक है ना, और उसका 10 प्लेस और 100 प्लेस के टर्म्स में तोड़ा जा सकता है। क्या आप ये बात समझ गए? तो आज के टाइम पे हमारे को इसने 3 नंबर दिए, तो अगर किसी ने मेरे को A28 करके कोई 3 डिजिट का नंबर दिया है तो इनडायरेक्ट वे में तो वो A into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 8 into 1 के टर्म्स मैंने तोड़ के सोच लिया है। ये आप समझ गए? अगर मैंने ये बात समझी तो एक बार और इस पे भी बात कर लेते हैं। 3B9 इज इक्वल टू 300 प्लस B into 10 प्लस 9 into 1, ऐसा लिख दूं मैं यहां 3 डिजिट का नंबर वो आपके सामने ब्रेक कर करके दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। अगर ऐसा कर रहा हूं तो 620C माने 600 प्लस 20 प्लस C into 1, क्या आप इसको बात समझ गए? Yes, अब मुझे ये करना है, तो मैंने डेल्टा को कॉपी किया, डेल्टा को जो मैंने कॉपी किया था इट इज A36, ठीक है, इट इज 89C, इट इज 2B2। अब बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मुझे पता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इस चीज को देखना, मुझे चाहिए A के साथ 100, A यहां पे बैठा है, इसका मतलब मुझे R1 में अभी तक 100 की मल्टीप्लाई दिख रही है, लेकिन R1 में 100 की मल्टीप्लाई होने पर 300 भी होगा, क्या मुझे 300 की जरूरत है? Yes, फिर 600 भी होगा, yes, इसका मतलब मुझे इसकी भी जरूरत है। माने ये तो पक्का है कि R1 की 100 में मल्टीप्लाई होगी, ये अभी तक पक्का नहीं है, ऑपरेशन किस पे लगेगा, ऑपरेशन तो वी विल डिसाइड लेटर ऑन, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक 20 चाहिए और एक 20 चाहिए, ठीक है ना, 20 देने के लिए दोनों तैयार है, इसका मतलब मुझे इसकी किससे मल्टीप्लाई चाहिए, 10 से, इसका मतलब मुझे इसकी किससे मल्टीप्लाई की चाहिए, 100 से, इसका मतलब इसके पास एक ही चॉइस बची, बेटा इनटू 1 कर ले, और फिर सबको जोड़ना है। और अगर मेरे को जोड़ना है तो मैं किधर जोड़ना चाहूंगा, ऑपरेशन जोड़ूंगा R2 पर, क्योंकि R2 पर अगर मैंने ले जाके जोड़ा तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2, क्योंकि R2 इनटू 1 हो रहा है, माने मैंने कुछ किया ही नहीं, नहीं आया समझ में। R2 इनटू 1 प्लस है ना 100 इंटू R1 प्लस 10 इंटू R3, क्या अभी तक ये बात समझ में आ गई? Yes, बस ये करते ही मेरे को पता है ना बीच की रो क्या बन जाएगी, बीच की रो बन जाएगी A28 जोड़ते ही, क्योंकि अपन जैसे इसको जोड़ेंगे A28 बन जाएगा उधर, नहीं आया, और इधर बन जाएगा कितना
3B9 और ये वाली रो बन जाएगी 6C2। और इस पूरी रो के अंदर हर आदमी में माने हर एलिमेंट में के का डिवीजन पॉसिबल है। इसका मतलब पूरी डिटरमिनेंट में भी के का डिवीजन पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना, कंप्लीट रो है ना, माने ऑटो इज डिविजिबल बाय के, हेंस ठीक है डेल्टा इज डिविजिबल बाय के। क्या ये बात पकड़ में आ गई? तो बाकी बची चुपचाप कॉपी हो जाएगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अपन स्पीड बना ले, है ना। हाँ भाई, ये हो गया, आगे चलें फटाफट से। नेक्स्ट टाइटल इसी के अंदर, ठीक है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है और उसके सामने इस तरह की एक चार डिग्री की एक इक्वेशन दिए जाना एक कॉमन बात है, मतलब एकदम कॉमन सी बात है, कैसा दिया जा सकता है। अच्छा, मैंने हमसे रैंक पूछी थी, आपने ओवरऑल रैंक बताई होगी शायद। मैं तो मैथ्स में मांगना चाह रहा था, मैथ्स में अंडर 50 कितने हैं? एक, मैथ्स में भी है क्या वो अंडर 50? दो, देखो तीन, और कोई बच्चा? चार। हाँ, तो मैथ्स में तो बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो मतलब मैं जिनका आंसर देखता हूँ वो अभी अंडर 50 नहीं आए, पर अंडर 50 आना चाहिए। हाँ, एक टारगेट तो बनाओ आप। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब अब तक अंडर 50 में कितनी बार आ चुके हैं वो नहीं है इंपॉर्टेंट, आए हो तो भी आप मेरे लिए अंडर 50 हो, कोई लास्ट पेपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वो दिन आपका दिन हो, लेकिन अगर आप पहले भी कभी अंडर 50 आए तो गर्ल्स में तो आना ही चाहिए कम से कम, है ना। अंडर 50 के लिए कोई बहुत टैलेंट की जरूरत नहीं होती, आप वैसे डर के भाग रहे हो और कुछ नहीं। हाँ भाई, टी देखिए, ये डिटरमिनेंट दिया है, इसके सामने 4 डिग्री की क्वेश्चन है, ऐसा दिया जाने वाला एक कॉमन बात है, कुछ नहीं करना, टी निकालने के लिए क्या करना है, ये कह रहा है लैम्डा इक्वल टू 0 रख दो, बस क्वेश्चन खत्म। कहां रख दूं? दोनों तरफ, इन LHS एंड RHS। आंसर थोड़ी निकालना है, बस सिर्फ एक कंसिडरेशन मारना है कि हमें पता है अब करना क्या है। अरे लैम्डा की जगह 0 रखूंगा तो ये तो सब उड़ जाएंगे ना, टी बच जाएगा इधर, तो लैम्डा की जगह इधर 0, इधर 0 रखने पे सारे 0 थोड़ी ना हो रहे हैं, रख के तो देखो सही है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। नहीं आया समझ में? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता था, किसी ने क्वेश्चन बनाया फाइंड एस, मान लो किसी ने कहा एस बताओ सर क्या होगा, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो। क्यों डिफरेंशिएट कर दो? क्योंकि डिफरेंशिएशन करते ही आपको याद है ना कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, तीन बार, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? लैम्डा के, तो ऊपर की तरफ कितना हो गया 2λ+3 सही है, इधर 1 और इधर 1 और बाकी बची हुई चीजें कॉपी कर लें, λ+1, 2λ, λ-4, λ-2, λ+4 और 3λ सही है भाई, इधर वाले में आप कर लोगे डिफरेंशिएशन। क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है डिटरमिनेंट का? इज इक्वल टू में यहां सामने से बोलो क्या बनेगा, 4πλ³ में कितना 3qλ² + 2rλ + s, नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 0। जैसे लैम्डा की जगह 0 रखोगे s आ जाएगा, नहीं आया समझ में? अरे लैम्डा की जगह 0 रखते ही सब उड़ जाएगा, s बच जाएगा। हाँ, आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बैठे भाई,
अब क्वेश्चन में पूछने वाला आपके साथ तीसरी चोट कहां कर सकता है, ये हालांकि बहुत कम हो सकता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। किसी ने कहा फाइंड क्यू प्लस एस, किसी ने आपको बोला क्यू प्लस एस बताओ। अब मैं आपको हिंट करता हूं, आप सोच के जवाब देना, क्यू प्लस एस के लिए आपको सोचना है, हिंट मैं कर रहा हूं, रेडी। कुछ ऐसा लैम्डा की जगह पुट करो कि क्यू और एस तो बच जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। इसके लिए आपको ऑपरेशन लगाने की छूट है, पुट करने की भी छूट है कि आपकी इच्छा से पुट करो, और ऑपरेशन लगाने की छूट है। कितने लोगों को पता है ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अरे एड, सब्ट्रैक, डिवाइड, कुछ भी करो। नहीं आया? अब आपको लैम्डा की जगह कुछ भी रखो, आप वन और माइनस वन, अब ये अलग कर वन और माइनस वन। देखो अगर अपन ने वन पुट कर दिया तो वन पुट करते ही सबको पता है ऊपर फोर हो गया, यहां जीरो हो गया, यहां पे फोर हो गया, अगले पे टू हो गया, टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, इधर कितना हो गया फाइव हो गया, और इधर कितना हो गया थ्री, और वन पुट करते इट इज पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, यही रह गया। और अगर भाई मैंने माइनस वन पुट कर दिया तो माइनस वन पुट करते ही कितना माइनस टू हो गया, माइनस वन पुट करते ही माइनस टू हो गया, माइनस टू टू ये हो गया, इधर माइनस वन पुट करते जीरो माइनस टू माइनस फाइव, इधर की तरफ कितना माइनस थ्री थ्री और कितना माइनस थ्री। आपने देखा मैं स्पीड लगा के खेल रहा हूं, है ना। अगर अपन ऐसा करा माइनस वन पुट करो जल्दी बोलो p माइनस q आगे बोलते हो फटाफट प्लस r माइनस s प्लस t। अब बताओ क्या करो, जोड़ू घटाओ, क्या कर दू, घटाओ घटा दो, नहीं आया ये घटा दो, घटा दे कटेगा हटेगा हटेगा, बचेगा क्या q प्लस s, ठीक है फाइंड q प्लस s। अपने को सॉल्व थोड़ी ना करना, अपने को सिर्फ आइडिया लेना, चलना आगे, ठीक है आपकी कॉपी में रहेगा, आप दिमाग लगा लेना। आपको कौन सा सॉल्व करना, सॉल्व तो आप शीट करोगे, आ जाओ फटाफट से। मेरा अगला टाइटल है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, राइट है भाई, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करने के लिए वी हैव फोर मेथड्स। कितने लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करने के लिए अपने पास चार मेथड कौन कौन से हैं? रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, बट दिस वन इज प्रेफरेबल, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हमारे मुंह में अक्सर रो इंटू कॉलम निकलता है, हमारे मुंह से जैसे अपन बोलते हैं ना रो इंटू कॉलम, वो इसलिए क्योंकि हम मैट्रिक्स पे ज्यादा मल्टीप्लाई करके आते हैं, वहां रो इंटू कॉलम चलता है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई के दौरान आपके पूरी कोशिश होने की रो इंटू रो में सेटल हो जाए मामला। हालांकि हम रो इंटू कॉलम के लिए भी ओपन है, बट इट इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि हम जिस उसमें चलने वाले हैं वहां हमारे को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको ब्रेक करना पड़ेगा, हमें उल्टा आना है। ये कहानी समर सॉल्ट की कहानी जाएगी, देखना इसमें एक बार भी ऐसा नहीं होगा मल्टीप्लाई करके आए, हमारे को दिया होगा हम ब्रेक करेंगे कि अच्छा ये नो का मल्टीप्लाई था, जो कि बहुत मुश्किल है सोचना, है ना। कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे पूरी ताकत से कि सोच पाए, बैठे भाई। अच्छा इसके अंदर स्टार्ट हो जाए, पहली बात पता कैसे चलेगा कि सर ये क्वेश्चन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, क्या वो प्रोडक्ट देगा? नेवर, वो पागल है क्या? वो दो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट पूछेगा आपसे? बोर्ड में पूछ लिया हाँ या उल्टा कि सॉल्व दिस, तो आप सोचोगे सॉल्व करने के लिए आप पूरी ताकत लगाओगे, आप सारे ट्रीटमेंट लगा रहे हो कि R1 माइनस R2, R1 माइनस 2, R2 सब ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। जब आप थक जाओ तो लास्ट स्टेज पे एक बार जरूर सोचना कि कहीं ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग सोचते हैं अब क्या बचा, अब बचा असली खेल। अब समझना, वो मैं आपको मतलब आपको वो बता रहा हूं जैसा जो मैं सोचता हूं, मैं जैसे सोचता हूं या टीचर लोग जैसे सोच लेते हैं कि अरे यार कहीं प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो नहीं था, है ना। जब हम सारी ट्राई कर लेते हैं हम भी ऐसे आपकी तरह से लगते हैं भाई हमारे को कौन सा प्रोडक्ट देखते ही स्ट्राइक करता है, जब कुछ नहीं होता फिर भी कुछ एक सिग्निफिकेंस है वो बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा सारी चीजें स्क्वायर 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 में दे रखी है, पक्का प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा, नहीं आया आपको समझ में? हाँ, सारी चीजें स्क्वायर 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 में दे रखी है, इसका अंदर प्रोडक्ट का क्वेश्चन होने के बहुत चांसेस है, यू आर वेरी क्लोज टू दैट। अच्छा, वो सभी क्वेश्चन जिनमें कॉस ए प्लस बी हो साइन ए प्लस बी हो, वो प्रोडक्ट के क्वेश्चन है,
अभी नहीं आएंगे आपको समझ में, जब अपन करेंगे तो क्वेश्चन में आने चाहिए। मेरे को बस आप इतनी इजाजत देना कि मैं इस टाइटल को खत्म कर सकूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आते हैं, प्रूव दैट A1 अल्फा 1 प्लस में B1 बीटा 1, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2, A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3, राइट है भाई। A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, राइट है। A2 अल्फा 3 प्लस में B2 बीटा 3, राइट है भाई। यहां दे रखा है A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1, A3 अल्फा 2 प्लस में B3 बीटा 2, ठीक है ना। और मैं आपको फिर भी बता देता हूं, हालांकि ये मुश्किल बहुत है लेकिन आपको पसंद इतने आएंगे ना। क्यों पसंद आएंगे? एक तो ये चैलेंजिंग है उसकी वजह से, अपने इसकी फॉर्मेट ही ऐसी है, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है ना, दूसरा कारण, आप जब इसका आंसर आते देख लोगे तब अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ ये यार अच्छा लगा, ये बढ़िया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आपको दो स्टेप पे आगे लेके ही नहीं जाते, बात दो स्टेप में खत्म। पहले में क्वेश्चन, सेकंड में आंसर। माने एक लाइन का क्वेश्चन होता है, स्ट्राइक करेगा तो सीधा वन टच। अब यहां आपको ये पता होना चाहिए कि जिनका पहले मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ है उन्हें एक बात सोचनी चाहिए कि हर बार तीन चीजें आती हैं। सोचना कैसे, ऐसा होना चाहिए था A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 है ना गामा 1, ऐसा कुछ होना था। क्योंकि जब भी 3x3 की मल्टीप्लाई होती है तो तीन एलिमेंट आते हैं प्लस में, यहां तीसरी पार्टी नदारद है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब वो क्या हुआ होगा मैं बताता हूं, पहले मैं सिखाता हूं, इसको देखो। जो मैं सिखा रहा हूं पहले बारी में थोड़ा कम डाइजेस्ट होगा, सेकेंड टाइम से डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, सही है। देखे साहब, इसको देख करके मैं दो चीजों को तो खट पकड़ गया कि इसमें दो आदमी इन्वॉल्व है, A1 B1 पहले पहले, और इधर के दूसरे दूसरे अल्फा 1 बीटा 1। ये कौन है मेरे को नहीं पता चल रहा अभी भी, लेकिन मैं बहुत अच्छे जानता हूं जिस दिन मैं इसकी रो इनटू रो करूंगा मल्टीप्लाई तो होगा A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, आगे का नहीं पता। तो ये एक लाइन तो पक्की हो गई। फिर अगली लाइन में A1 B1 पहले से ही है, A1 B1 राइट है, ये पहले से ही है। तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई अब की बार किससे हुई, अल्फा 2 बीटा 2। जिन्हें मल्टीप्लाई नहीं आती वो दोबारा देख लेना, हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले से ये आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली रो अल्फा 3 बीटा 3 से, जैसे इससे मल्टीप्लाई होगी ये आ गया। अब आप बताइए इधर कौन कौन आने बाकी हैं? एटो बेटो, बिल्कुल तुक्का भी सही लगता है इसमें, A3 B3। अब रह गया पंगा कौन, कितने लोग बता सकते हैं इसकी इन तीन से मल्टीप्लाई, पहली पूरी रो दे रही है, इसकी इन तीन से मल्टीप्लाई तीसरी दूसरी रो पूरी दे रही है। क्या ये बात समझ में आ गया? क्योंकि तीसरी पार्टी नदारद है, 100% जीरो आया होगा, नहीं आया समझ में, नहीं तो गई कहां पार्टी। तो सर इधर कौन आया होगा? इधर तेरी जो मर्जी है रख ले, इधर जो तेरी मर्जी है वो रख ले, क्योंकि अगर तेने 5 भी रखा तो मल्टीप्लाई तो जीरो से होनी है, नहीं आया। अगर आप ये समझ गए तो आपको पकड़ में आ गया, खेल खत्म। या फिर भी आपका लकी नंबर रख रहा हूं, सही है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको ये तो पता चल गया एक का तो आंसर जीरो, तो दूसरा जवाब देगा नहीं तो भी आंसर जीरो पक्का है, क्योंकि इस पूरे डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई किससे होगी, प्रूफ हो गया। वन लाइनर है, वन लाइनर, भले आप इसको खाली भी छोड़ दोगे ना आपको पता है आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी एक और दो और है ना, धीरे 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 आप इसमें समझने लग जाएंगे, ठीक है ना भाई। इसके नीचे जरूर लिख लेना थर्ड एलिमेंट मिसिंग है, थर्ड एलिमेंट मिसिंग, ठीक है ना। सो थिंकिंग ऑफ जीरो, इसीलिए जीरो सोचा जा रहा है, तीसरा एलिमेंट मिसिंग है, राइट है। फटाफट आइए, वन कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, वन कॉस गामा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस गामा, कॉस बीटा माइनस गामा, एंड वन इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट, ऐसा कर लेते हैं, राइट है क्वेश्चन।
इसमें बहुत तेजी से आपको ग्रो करना है। मेरी सही जगह तक मैं पहुंचे बगैर आपको इसमें छोड़ूंगा नहीं, आपको जल्दी जल्दी पहुंचना है। मेरे को कम से कम एक क्वेश्चन का जगह देनी है, वो क्वेश्चन ही अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कि मेरे को लिखने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। और 100% अगर बाय द वे वो वैसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मतलब आनंद है आनंद, क्योंकि इतना शानदार क्वेश्चन होगा कि आपको ऐसे ही पता चलेगा। एक पहले इस पे आता हूं, छोटे क्वेश्चन पे, राइट है। मैंने आपको बोला कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा, आपको स्ट्राइक करना चाहिए, प्रोडक्ट हो सकता है। क्वेश्चन अपने आप चल के नहीं बताता कि मैं प्रोडक्ट का क्वेश्चन हूं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट है। आपको सब दिखेगा थोड़ी देर बाद, ये जिन्हें खोलना आता है वो जानते हैं कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस, क्या ये दो का प्रोडक्ट दिख गया, साइन बीटा साइन अल्फा। बड़े ध्यान से सोचना, कॉस हमें आजादी देता है कि अगर किसी ने बीटा माइनस अल्फा की जगह अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लिया तो भी फ्री हो आप, इसीलिए क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है। मैंने दो का मल्टीप्लीकेशन के लिए खाली जगह सोची है, रेडी आप तैयार है ना। एक पंगा है वन का, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मैंने लिया कॉस अल्फा कॉस हाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, तीसरी पार्टी नदारद है, थर्ड पार्टी मिसिंग है ना, सही है ना। इसका मतलब 100% वो कौन बनेगा, जीरो, और जीरो बनते आंसर जीरो पक्का है। अब अपन लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट सीखने की, आंसर की लड़ाई नहीं हमारी, क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ भाई, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा से वन लाना है तो मेरे को इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी कॉस अल्फा साइन अल्फा से, नहीं आया। जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना आता है कॉस इंटू कॉस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट बिकम्स वन। अब मेरे को चाहिए कि कॉस अल्फा की किससे मल्टीप्लाई हो, कॉस बीटा से, तो इस जगह मैंने लगा दिया कॉस बीटा। साइन अल्फा की किससे हो, साइन बीटा से, तो मैंने लगा दिया साइन बीटा। तो किसी दिन इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, नहीं आया, सही है। अच्छा फिर सोचो कि ये कौन है, ये लिखा है कॉस गामा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा पढ़ाई है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, कॉस गामा साइन गामा। यहां पहले लिख देता हूं आंसर, पहले हमारे पास तैयार है। आप तो बताओ यहां क्या लिखना है, आपका सोचा हुआ चलेगा, यहां होगा कॉस बीटा साइन बीटा, राइट है। देखो एक मिनट, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करके देख लो, कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा जो कि कॉस सॉरी कॉस बीटा माइनस अल्फा आएगा जो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बन सकता है, नहीं आया। इस जगह पर क्या लिखना बोलो, कॉस गामा साइन गामा, तो आंसर जीरो पक्का है। इधर भले कुछ भी मत लिखो, अगर आपने मतलब लिख लेना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, एनी नंबर वट एवर है ना। मेरे को जीरो बहुत पसंद है, बस हटते कि वो नंबर के पीछे है, हाँ भाई। ये आपको यह था कि पकड़ में आने लगी चीजें, एक क्लिक करिए, सही है। अच्छा जो बच्चे आ गए प्लीज स्टे इन फ्रंट, राइट है भाई। अगले पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं, वन प्लस डी एक्स स्क्वायर, वन प्लस सी एक्स का स्क्वायर, वन प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, वन प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, वन प्लस सी वाई का स्क्वायर, वन प्लस ए जेड का स्क्वायर, वन प्लस डी जेड का स्क्वायर, वन प्लस सी जेड का स्क्वायर। हाँ जी साहब, खोलना आपका काम है। कितने लोगों को पता है अब की बार कोई मिसिंग नहीं है, दिमाग लगाओ। किसी को यह खोलना आता है, ढंग से बोला, वन प्लस टू ए एक्स, क्या तीनों एलिमेंट है, इसका मतलब इस बार आंसर परफेक्ट आएगा, राइट है। आप फटाफट आ जाओ, जो बच्चा आगे है स्टे अहेड स्टिल, लगे रहो। आप बताओ किसके किससे मल्टीप्लाई, पहले नंबर पे बोलो, वो लिखूंगा मैं आपकी पसंद से। इसको देखकर सोचो किस किस की मल्टीप्लाई, वन किसकी मल्टीप्लाई होता है, वन के वन से, टू एक्स किसकी मल्टीप्लाई, टू ए की एक्स से, या टू एक्स की ए से, एक ही बात है। तो टू एक्स लिख दो, ए लिख दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से। आप बताओ ए स्क्वायर यहां लिखोगे यहां और यहां, अब आप बताओ अगली लाइन खटखट खटखट बोल दो,
तुक्का ही लगाना है, वन बे बी स्क्वायर। इतना मस्त चीज है, आ गई तो आ गई खटाखट। इसका बोलो वन टू वाई वाई स्क्वायर, वन टू जेड। अच्छा एक बात बताइए जल्दी से, कितने लोगों को पता है? हाँ टू तो कॉमन आ गया, लेकिन साथ में एक और चीज भी, किसी को ये वैल्यू याद है? ए माइनस बे सी माइनस ए, तो यहां लिख देता हूं ए माइनस बे बी माइनस ए सी माइनस ए। इसके अंदर टू कॉमन आ गया, अंदर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्या आपको ये मल्टीप्लाई आ गई? इजी है ना, अगर याद रह जाए तो, वरना वो भूत बना देगा, मैं फिर बता रहा हूं। हाँ आप सोच रहे हो या कि ये लड्डू जैसा है, लेकिन नहीं बिल्कुल आपको अटक जाएगा आपके, ठीक है ना। हाँ अब इस पे आ जाओ फटाफट से, अगले पॉइंट पे फिर चर्चा जारी है, क्योंकि ये क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है। अब अपना राइट है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मत लिखना, सिर्फ जितना मैं बताऊंगा उतना ही लिखना, ठीक है। ऐसा ए भी है, ऐसा बी भी है, और ऐसा एक सी भी है, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा हमारे पास में, ऐसे सामने वाले ने हमारे को ए बी सी तीन डिटरमिनेंट दिए हैं, ठीक है। उसमें कहां क्या फर्क है बस ये बता देता हूं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेम है, यहां अल्फा प्लस गामा और यहां गामा प्लस डेल्टा कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन थोड़े थोड़े बदल दिए गए। क्या ये कहानी पकड़ में आई? ऐसे तीन ए बी सी दिए, ऑप्शन में दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू तीन ए बी सी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है ए की पावर 91 प्लस बी की पावर 38 माइनस सी की पावर 92 इज इक्वल टू ए बी सी की पावर 54, सही है। ऐसे उसने अलग अलग क्वेश्चन दिए, और आखिरी मतलब तीसरा ऑप्शन और भी इंटरेस्टिंग, इसलिए बोल पड़ रहा हूं, कॉस थीटा की पावर ए, कॉस बी फाइव की पावर बी, कॉस गामा की पावर सी इज इक्वल टू कॉस थ्री टाइम्स कॉस थीटा कॉस गामा की पावर ए बी सी, वॉट एवर। अब आप ये बात समझ गए, एबीसी देख लिया आपने, ऐसा है ये, यहां तक क्वेश्चन में इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। आउट ऑफ सिलेबस चला गया, क्या कहते हो आप तो बताओ, ये सोचना है आपको, लॉजिकली सोचो। हाँ भाई पहले तो ये बताओ कि क्या आप ये पकड़ गए कि ये टू नहीं है, ये वन प्लस वन है। इसका मतलब इसमें एक पार्टी मिसिंग है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आंसर जीरो दिखने लग जाता जब भी थर्ड पार्टी मिसिंग होती है, तो अगर ये जीरो है तो ए की वैल्यू बी की भी जीरो सी की भी जीरो, नहीं आया तो आपके सारे ऑप्शन खुल गए, नहीं आया समझ में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैंने कहा ना ये इतना शानदार क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ना स्टूडेंट को जिसको आता है ना वो जानता है कि इस क्वेश्चन की क्या कीमत है। बस आप तो इसका प्रोडक्ट बना दो कि आप ये समझ पाए रहे हो कि मेरे को क्या लिखना चाहिए, यहां वन लाने के लिए वन इंटो वन, फिर यहां वन इंटो वन। अब ये सोचो जरा, मेरे को वन की इस वन की किससे मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, मैंने हिंट दे दिया, देखो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। अब सोचो ये कैसे करूं, अल्फा गामा गामा डेल्टा पक्का, इधर तो जीरो 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 आएगा यार। अब रुको, हमें ये पता चल गया इसकी जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हुई ये तीनों लाइनें आ जाएंगी,
ऊपर की पूरी लाइन आ जाएगी। अब ये सोच के जवाब दो कि ये कैसे आएगा, मुझे क्या लिखना है, यहां लिखना है अल्फा प्लस बीटा इंटो वन प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटो वन इंटो वन। जिस दिन इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो वो टाइम्स ये आ जाएगा क्या? पक्का है ना भाई? नहीं आया, मुझे तो स्क्वायर होता दिख रहा है, लेकिन टू टाइम्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर गए, उल्टा है। इसका मतलब ये लोग कह रहे हैं कि गामा प्लस डेल्टा इधर कर दो और अल्फा प्लस बीटा इधर कर दो। स्मार्ट बंदा है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। अभी भी नहीं आया? हाँ, बचा लिया आप में से कई लोगों ने, स्क्वायर बन गया था एक बार तो और आप हार गए थे वापिस। ठीक है, अब सोचो इसकी इससे मल्टीप्लाई ये दे रही है क्या? देखो ये दोबारा दिमाग लड़ा लो, दे रही है। ये इसे भी पलटो, बोलो इसे भी पलटो, जल्दी बोलो। ये अपने एक तो अल्फा बीटा है, अरे ये तो गलती अपनी है ना, अब दे रही है, देने लग गई भाई। तो अगली लाइन के अंदर क्या लिखना है बोलो, क्या कहते हो? या तो जीरो जीरो लगा दो, क्या कहते हो? तो आंसर जीरो चिपका देते हैं भाई, सही है ना, इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो। अब आप कई बातों को अब अपने तरफ से देख लें, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे को जो खत्म कराना उतनी दूर तक नहीं कर पाऊं। एक मिनट, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाए ना, मतलब मैं इतनी दूर तक तो आप में से कई लोग परेशान हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में लास्ट टर्म, तो ये भी तो अपनी गलती होगी ना। हाँ वही तो, ऐसा तभी तो हो रहा है, उसी की वजह से तो ये गलती आई है। आ जाओ भाई आप, बस मेरे को लास्ट क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे आने दो। हाँ भाई, जिन्हें ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन में आइए फटाफट से। अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, सही है? और आगे बोल रहे थ्री वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू, सही है, वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री वन प्लस एफ फोर, सही है? फटाफट इसे को इक्वल टू के टाइम्स वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर वन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, फाइंड के। आपका काम क्या है कॉपी करने के सिवा? आपको तो ये बताना है कि F1 आप भर चुके हैं, बस F1 आप भर लो, ठीक है ना? हाँ, आज आप F1 तो निकालो, इतना थोड़ी ना अपना स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा कि अपन F1 नहीं निकाल पाते। हाँ रख दो, सबको भर दो, डिटरमिनेंट भरो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो एक एक लाइन पढ़ते हो, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन तीन वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री वन प्लस एफ फोर डिटरमिनेंट क्लोज के इंटू वन माइनस अल्फा का स्क्वायर वन माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फाइंड के क्वेश्चन मार्क। फटाफट, नहीं अरे वो मेरे को क्या पता कहां वो तब तक मेरे को समझा देती, इधर में हो गया ना, फटाफट करो। एफ वन जरूर लिख लेना, मुझे अच्छे से पता है आप में जो कई तो इतने कामचोर हैं वो ये भी नहीं लिखेंगे। लिख दिया? अगर आपने वाकई लिख लिया है तो आपको यह तो बात पक्की हो जाएगी लिखते ही कि आपको तीनों तीनों दिख जाएंगे, मिसिंग एक भी नहीं है। क्योंकि अगर मिसिंग होता तो के इक्वल टू जीरो आ जाता, इसका मतलब के इक्वल टू जीरो तो आपके ऑप्शन से बाहर आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो भरा है, आगे दिख रहा है भाई, इतना तो कम से कम है ना, मतलब कुछ गर्ल्स ने तो यहाँ इज्जत तो रखी भाई, भरने की काम किया है ये, सही है भाई? भर लिया क्या? पहला काम सुन लो, ये भरा क्या? हाँ। दूसरा भर दिया, ये भर दिया, नीचे वन प्लस अल्फा प्लस बीटा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस
वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस और वन प्लस अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। सही है क्या? Yes, इसका मतलब 100% आंसर तो डन है। अब अपन को दौड़ना इस बात को लेकर के है कि दोनों ब्रैकेट से ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा तो आएगा कैसे। सही है, एक तो बात पक्की है, 1 1 1 1 1 1 नहीं आया। इसको तो थोड़ा तेज सोचना चालू करो ना, क्या मैं इस लेंथ के इस जगह तक आ गया? अब आप बताओ 1 1 1 से ये कैसे लाऊं? 1 अल्फा बीटा, बेहतरीन दौड़ रहे हो। अगला 1 अल्फा स्क्वायर, कहीं दोबारा कॉपी कर दूं कहो तो? इसी को दोबारा कॉपी कर दूं? नहीं आया। ये लोग कह रहे हैं एक बार ये ट्राई करो सर, आप देखो एक बार जरा अपन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मिला, इससे मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है क्या आपको? लग गया कि अगली लाइन में 1 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एक मिनट के लिए, मेरे को एक मिनट याद आ रहा है कुछ कि हम अगर ऐसा नहीं खेलते, ये ऐसा लिखा हुआ है 1 1 1 ABC A² B² C² सोचो ये किसके जैसा लिखा हुआ है, जैसे किसी ने 1 1 1 ABC A² B² C² ये किसी ने लेटा दिया हो, आया ना? ट्रांसपोज करने से वैल्यू बदलती है तो काम हो गया ना। आज के टाइम पे एक ही जगह पर ये 1 1 है भाई, नहीं आया तो इसका आंसर मेरे को याद नहीं आ रहा। A माइनस B, एक मिनट, A माइनस B, अरे एक मिनट, इसकी जगह कौन है? A की जगह तो 1 है और B की जगह अल्फा है और C की जगह बीटा। श्योर है भाई? A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, क्या कहते हो आप? और कितना? 2 बार स्क्वायर कर दो तो K इज इक्वल टू, राइट है? क्या ये मुश्किल है? मैंने देखा, मैं गलत पूछ लिया आपसे, इज इट मुश्किल?